नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ना ही मेरे पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर है या फिर कोई भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन लगान रसीद भी नहीं है। मतलब ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि रजिस्टर 2 में मेरे दादाजी का नाम है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो दोस्तों इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है और आपके पास लगान रसीद भी नहीं है, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि उस मौजा के राजस्व कर्मचारी के पास रजिस्टर 2 में आपके दादाजी का नाम है, तो इसका मतलब है कि आपके दादाजी के नाम से जमाबंदी कायम है अभी भी। तो आपके दादाजी का जमाबंदी कायम है तो आपका जमीन है। आपका जमीन ना ही किसी को मिला है, ना ही किसी को दान में मिला, ना ही किसी को बेचा गया, आपके दादाजी का जमाबंदी कायम है। अब आपको ये देखना है कि उस जमाबंदी के अंतर्गत हम लगान रसीद कैसे कटवाएं, ठीक है। हालांकि आप लगान रसीद कटाने के लिए जाएंगे तो राजस्व कर्मचारी आपसे बोलेंगे कि आप इससे पूर्व का लगान रसीद दिखाएं तो मैं आपका लगान रसीद निर्गत करूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास पूर्व का लगान रसीद है तो आप दिखाकर वर्तमान लगान रसीद कटा सकते हैं, लेकिन पूर्व का कोई लगान रसीद नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है DCLR महोदय को आवेदन दे सकते हैं, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पास आप आवेदन दे सकते हैं कि मेरा लगान रसीद कट रहा था, खो गया, मेरे पास नहीं है और जमीन का जो दस्तावेज होता है वो भी मेरे पास नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम जो आपके पास है वो बता सकते हैं, स्पष्ट उसमें कर देंगे, लेकिन ये भी बता देंगे कि मेरे दादाजी का जमाबंदी कायम है, लगान रसीद काटा जाए। तो वो अपने अनुसार से वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, उसके बाद आपका लगान रसीद काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, ये मुमकिन है, लेकिन इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये काम आपका हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।